हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, रोमन साम्राज्य। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर दो, तो मैं आपके सामने रोमन साम्राज्य लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर की ना बहुत सारी खास बातें, आगे जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दो पहले से हिंट दे देना चाहता हूँ। पहली हिंट ये है कि लोग बोलते हैं ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, लगभग आसानी से समझ में नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर को देखने के दौरान, मतलब मेरी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं सबको जब आप देखेंगे जो आगे पड़ी हुई हैं या अभी आ रही हैं, तो आपको चैप्टर का एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर करके समझा दूंगा। दूसरी जो दोस्तों हिंट है या गारंटी है वो ये है कि जब आप चैप्टर पढ़ ले तो, मतलब मेरी वीडियो आप जब पूरा देख लें तो उसके बाद में इसका चैप्टर जरूर पढ़े, उतना पार्ट जरूर पढ़े जितना मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पूरे चैप्टर को एक बार पहले वीडियो देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आपको कोई भी चैप्टर में पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि सारे जितने भी पॉइंट है आपके वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों स्टार्ट कर दें। रोमन साम्राज्य नाम इसका है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अगर हम इसके नाम को थोड़ा सा गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, महाद्वीपों, कितने 3 महाद्वीपों। दोस्तों ध्यान से समझो, महाद्वीपों कितने 3, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। नाम क्या था उसका, रोमन साम्राज्य। कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था, तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख करके दिखाया हुआ है, अधिकांश भाग इसका यूरोप में था, पश्चिमी एशिया में भी था और उत्तरी अफ्रीका में भी था, यानी कि रेगिस्तान वाली जगह, अपने पड़ोसी ईरान वाली जगह और साथ में यूरोप की बहुत सारी इटली वाली जो जगह है वो सब यहाँ पर थी। अब दोस्तों आप इसे बोलेंगे कि इसका नाम रोमन साम्राज्य क्यों पड़ा, क्योंकि जो रोम जगह है ना मैप में आप देख पा रहे हैं, इस मैप में इस जगह पर इस साम्राज्य का जो था, मतलब केंद्र बिंदु था, यहाँ पर इसके राजा रहा करते थे। आप आगे धीरे धीरे भी पढ़ेंगे अगस्टस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जब है इस चैप्टर में आप क्लियर करते जाएंगे तो आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने लगेगा। दोस्तों ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है जहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका हम बेस समझ लेते हैं ना, तो फिर वो चीज़ बहुत हमारे लिए हलवा हो जाती है। गाजर का हलवा नहीं, मतलब बहुत ही नरम वाला हलवा, गाजर का तो भी थोड़ा टाइट होता है, तो नरम वाले हलवे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नरम वाले हलवे के रूप में हमारे पास यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान समझने हैं। कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला था, इसका गठन कैसे हुआ, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है और ये चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है। क्या बताई गई है कि एक ऐसा साम्राज्य जो 3 अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ हो, क्योंकि देखो महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप बेसिकली जगह होती हैं और कुछ नहीं होते, एक प्लेस, लेकिन उसके चारों तरफ अगर पानी भरा हुआ है और वो बहुत बड़ा है तो वो महाद्वीप हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि एक ऐसा महाद्वीप जो अपनी इधर के एरिया में तो है ही है, फिर बीच में पानी भरा है, फिर उसके पानी के उस पार वाली जो जगह वहाँ भी यार साम्राज्य अपना स्थापित किया हुआ था, क्या गजब की बात है। जब आप इसको थोड़ा फोकस करोगे कि यहाँ के जो राजा लोग थे कैसे इतना ज़्यादा विस्तार करते चले गए कि यहाँ पर जो है 3 महाद्वीप बन गए। तो इसलिए पहला पॉइंट तो हमारा मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे फैला, बस ये मैंने आपको बता दिया है कैसे इसका गठन हुआ, इस बारे में समझेंगे। दूसरा दोस्तों ये भी पॉइंट हमें समझना है कि कौन कौन सी ऐसी ताकतें थी, ताकतों का मतलब राजनीतिक ताकतें, यानी कि पॉलिटिक्स रूप से जितनी भी पावर्स थी, उन्होंने, पॉलिटिशियंस जो थे उन लोगों ने, पॉलिटिशियन का बेसिकली, पॉलिटिशियन का मतलब वहाँ पर तो एक राजा से ही रहा होगा, एक राजा होगा उसने अपने साम्राज्य को और विस्तारण और विस्तारण और विस्तारण किया और धीरे धीरे जो है 3 महाद्वीपों तक इसका अपना साम्राज्य फैल गया था। तो इस पॉइंट पर भी हम देखेंगे कि किन किन ताकतों के कारण ये इतना ज़्यादा विस्तारण हुआ था। फिर दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर इतना बड़ा साम्राज्य है, जैसे एक इसका महाद्वीप यहाँ पर है, दूसरा महाद्वीप यहाँ पर है, तीसरा महाद्वीप यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते होंगे, उनकी सोच अलग अलग होगी और बहुत सारा बार तो ऐसा हुआ होगा कि लोग एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा राजा था जो जिसने इन तीनों जगहों पर अच्छे खासे अपना शासन चला रखा था, तो लोग किस किस प्रकार के समूहों में व्यक्त थे, मतलब विभक्त थे या विभाजित थे, ये भी हमें चैप्टर के दौरान पढ़ना है, समझना है रोमन साम्राज्य के बारे में।
देखो रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा एक अच्छा खासा साम्राज्य था, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग थे, लोगों की सोच अलग थी, हर एक चीज़ अलग थी। तो यहाँ पर वो किस प्रकार से विभक्त थे ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और दोस्तों जब लोग अलग अलग होंगे तो उनके काम भी अलग अलग होंगे। जैसे आपको मैंने एक पुरानी वीडियो में उदाहरण दिया था, आपने अगर देखा होगा तो याद होगा कि अपने उत्तर प्रदेश की तरफ में जो शादियां होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, और वही अगर आप दक्षिण भारत की जो शादियां हैं वो देख लो किस तरीके से, मतलब दोनों हिंदुओं की ही देखो आप, क्योंकि मैं हिंदू, मैंने हिंदुओं की ही देख रखी और ज़्यादातर धर्मों में मैं शादी में मुझे कभी बुलावा नहीं आया, कभी आएगा बाद में तो जाऊंगा। तो वो जो शादी करने का तरीका होता है, मतलब इधर साइड में अपने उत्तर प्रदेश की तरफ में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ की शादी जो होती है और वही चीज़ दक्षिण भारत की शादियों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कृतियाँ भी अलग अलग प्रकार की थी। ये सिर्फ शादियों की बात नहीं है, आप चाहे तो कोई और धर्म देख लो, कोई रस्म देख लो, कोई रीति रिवाज देख लो, सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर भी संस्कृतियाँ बहुत सारी प्रकार की थीं। और दोस्तों भाषाओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, चंद कदमों पे भाषा बदल जाती है, लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे जो होते हैं अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी इतने बड़े साम्राज्य में कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी, ये भी हमें थोड़ा सा फोकस करके देखना है। अब दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति इस चैप्टर में क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जैसी स्थिति वहाँ की औरतों की नहीं है, वैसी रोमन साम्राज्य में थी। अब आप कहोगे क्या वो शॉर्ट्स पहनते थे, क्या वो जो है जीन्स टॉप पहनते थे? नहीं, जीन्स टॉप नहीं पहनते थे। वहाँ की औरतों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अधिकार प्राप्त थे, जो आजकल भी लोगों को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे अब प्रेजेंट टाइम पर जो मॉडर्न गर्ल्स हैं, मतलब जो अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, नए युग में कदम रख रही हैं, उनकी अगर हम बात ना करें, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की जो लड़कियां होती हैं, जो मतलब एक नई सोच जो आ रही है उसमें लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद से जाती हैं, बाहर रहती हैं, कमाती हैं और अपनी ज़िंदगी को एक हाई लेवल पर लेकर के जाती हैं। कई प्रकार कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें, तो वहाँ पर रोमन साम्राज्य की जो औरतें थी वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की उनको अधिकार या बोल सकते हैं पावर्स प्राप्त थे। जैसे व्यापार करना हो गया, व्यापार में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों जो मोस्ट के आगे 100 गुणे में, मतलब मोस्ट की पावर आप 100 कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दास। तो आप कहोगे दास को इतने छोटे में मैंने क्यों लिखा है, मतलब जो बड़े बड़े पॉइंट नहीं है उनको मैंने फुल लंबा लिखा है, लेकिन जो दास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ छोटे में लिख रखा है। जी हाँ, ये मैंने बस आपको बताने के लिए छोटे में लिख रखा है। दास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो इतना बड़ा रोमन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला है, ये पूरा का पूरा ना दासों के ऊपर बेस्ड था। दास के बारे में आप जानते हो कि गुलाम, तो गुलामों की वहाँ पर क्या स्थिति थी, कौन उनको खरीदता था, कौन बेचता था, गुलाम कहाँ से आते थे, कैसे वो साम्राज्य में मदद करते थे, कैसे उनकी स्थिति, सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ हमको जो है इस चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है, और यही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि इतना पुराना साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में इसका टाइम पीरियड पूरा बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद में बुक भी उठा करके देखें और बुक में टाइम पीरियड ढूंढें इसका, और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि रोमन साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था वो किस सन से लेकर के, मतलब किस सदी से लेकर के किस सदी तक था, ईसा पूर्व था कि ईसा बाद था, मतलब हर एक चीज़ आप जो मुझे है टाइम पीरियड के बारे में बताएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको फिर खुद से बताऊँगा और देखूँगा कितने लोगों ने सही बताया। तो दोस्तों दासों की स्थिति तो हमें पता चल गई। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि इतनी पुराना जो साम्राज्य था इसके बारे में आपको कैसे पता चला, तो हम सीधा बोलते हैं हमको, हमारे पास तो भाई स्रोत हैं, सोर्सेज हैं जिनसे हम जान पाएँ। तो सोर्सेज कैसे थे भाई, खुदाई के दौरान या पुराने अगर हम चीज़ों को देखें तो वहाँ पर जो हमको पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसमें हमने 3 प्रकार की चीज़ों में इनको कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है स्रोत को। कौन कौन से स्रोत हैं? पहला स्रोत है हमारा दोस्तों पाठ्य सामग्री, साफ साफ लिखा हुआ है और आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, और पाठ्य सामग्री को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, कानून और प्रवचन जैसी चीज़ें थी जो हमको देखने को मिलती थी। वर्ष वृत्तांत का मतलब होता है पूरे साल का जो लेखा जोखा है, पूरे साल का देश में क्या बदल रहा है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है या इकोनॉमिकल क्या डेवलपमेंट हो रहा है या फिर क्या, सब कुछ, मतलब पूरे वर्ष का जो भी हिसाब किताब होता है वो इसमें लिखा रहता है।
तो ये चीज़ें जो हैं हमें पढ़ने के रूप में मिलती हैं जो रोमन साम्राज्य की थी, जिससे हमें काफ़ी कुछ नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे आप अगर पीछे वाले चैप्टर को देखोगे मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया में एक चीज़ थी लेखन कला, वहाँ चली गई थी, तो लेखन कला के कारण हमको उनके बारे में ना पट्टिकाएँ मिली, तो हमने उन पट्टिकाओं को पढ़ा, पढ़ने की कोशिश की, जो चीज़ें हमारे समझ आ गई हमने उनको बताया, जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे जो पाठ्य सामग्री थी तो उनसे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में ना काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर एक बालों पर मत जाना मेरे, लॉकडाउन चल रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रलेख, प्रलेख या दस्तावेज। तो आप कहोगे पाठ्य सामग्री और प्रलेख दस्तावेजों में क्या फ़र्क होता है, तो भाई प्रलेख में मतलब हम कुछ दस्तावेज ऐसे बनाते हैं जो सबके लिए पब्लिकली नहीं होते, वो जैसे आपके घर के कागज़, क्या वो सबको पढ़ने को देते हो? डेफिनेटली नहीं देते होगे, वो आपके घर में रखे पड़े होंगे। तो इस तरीके के कुछ कागजात होंगे, तो वो हमको मिले। और कागजात ये लोग कहाँ दिखते थे दोस्तों? पेपायरस नाम का एक पौधा होता था, सरकंडे जैसा पौधा, उससे बनी सामग्री पर इन लोगों ने दस्तावेज लिख रखे थे। और दोस्तों वो दस्तावेज हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आए, मतलब वो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को उन्होंने सॉल्व किया रोमन साम्राज्य के बारे में जो हमें जानना था। तो ये पेपायरस दस्तावेज वाले जितने भी थे ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक सोर्स बने। इसके बाद में दोस्तों तीसरा नंबर है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में दोस्तों ऐसी चीज़ें हम रख सकते हैं जो फिजिकली हमें नॉलेज देती हूँ कुछ चीज़ों का। जैसे आपने देखा होगा जब कोई एक्सपायर कर जाता है क्रिश्चियन लोगों में, तो उसका जो शव होता है उसको जहाँ पे दफनाया जाता है तो उसके बगल में ना एक ऐसे पत्थर सा बना होता है और उस पर पूरी डिटेल लिख देते हैं, कब जन्म हुआ, कब मरे, कब पद प्राप्त किया, कितने इनके मतलब फीचर्स थे, क्या क्या सारी बातें लिख देते हैं। तो वो ना देखा होगा कभी लिखा नहीं होता है, वो खोद करके लिख देते हैं, खोद करके ऐसे खुरेद देते हैं। तो वो जो खुरेदना होता है वही चीज़ जो थी, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें थी वो भौतिक अवशेष में आ जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी पत्थर की हमको सिलाएँ मिली हैं, बहुत सारी इमारतें मिली हैं, बहुत सारे स्मारक मिले, मिट्टी के बर्तन मिले और तो और सिक्के मिले, जो हमको रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, जिससे हम रोमन साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था रोमन साम्राज्य का स्रोतों का थोड़ा सा वर्णन। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि चैप्टर के दौरान हम ना दो साम्राज्यों के बारे में कहीं कहीं पर पढ़ते रहेंगे। देखो जिस समय पर रोमन साम्राज्य था इसका समय क्या था, ये तो आपके लिए मैंने छोड़ दिया कमेंट में, आप मुझे बताओ, देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलता है, आपने बुक पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। तो जिस समय रोमन साम्राज्य था इधर साइड में, उसी का प्रतिद्वंदी, बहुत सारे लोग प्रतिद्वंदी नहीं जानते तो मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, कंपटीटर मतलब उसके बराबरी वाला एक और साम्राज्य था जिसका नाम था ईरानी साम्राज्य, मतलब नाम तो बेसिकली नहीं लेकिन वो ईरान का साम्राज्य था। तो हम दोनों दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जब रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे तो बीच बीच में, क्योंकि देखो दोनों के हमेशा झगड़े चलते रहते थे इतिहास में, आप देखेंगे ध्यान से दोनों के झगड़े चलते रहते थे क्योंकि सेम टाइम के थे और अपने अपनी ताकतों को विस्तारण करने के लिए, अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए जो है झगड़े इनके होते रहते थे, युद्ध झगड़े इत्यादि वगैरह, आप बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो ऐसे झगड़ों के कारण हम क्या करेंगे, कई बार इनका भी वर्णन करेंगे और इसका तो हमें चैप्टर ही पढ़ना है, क्योंकि हमें जब इनकी ताकतों को दिखाना होगा, इनके युद्धों को दिखाना होगा, तो हम इनका नाम लेते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम ईरान के बारे में भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। और दोस्तों इस चैप्टर के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर जो कि हमारा खलीफाओं वाला, बहुत मस्त चैप्टर है, आप इस्लाम धर्म की शुरुआत के बारे में पढ़ पाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थर्ड चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और सब लोग आप मुझे कमेंट करके बताइए कि थर्ड चैप्टर के अगले पार्ट के लिए आप में से कितने लोग एक्साइटेड है, और मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपने वीडियो देखा, और साथ में ये भी लिखना है यस आई एम एक्साइटेड फॉर न्यू पार्ट, ठीक है, प्लीज़ ये मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं जान पाऊँ कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, आप में ऐसे महान भाव लोग हैं जो आगे आने वाले इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और दोस्तों जो भी ये कमेंट करेगा मैं उन सबको एक एक दिल दूंगा, दिल, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रहिए, ख्याल रखिए, रहिए नहीं, ख्याल रखिए, बाय।